उन्हीं की जिंदगी का एक वाकया है कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे मरहले आते थे, बहुत सारे मकामात आते थे। कभी फतुहात का दौर था, इनामात का दौर था बादशाही, और कभी सब्र इम्तिहान का दौर था, मुसीबतों का दौर था। मुसीबतों के दौर में क्या हुआ कि जिस मस्जिद में घुस जाते लोग उसको धुलवाने लगते कि कहां से ये काफिर आ गया, फतवे होते उनके कुफर के फतवे लगे थे उनके ऊपर, कहां से काफिर आ गया, मस्जिद धुलवाने लगते थे। जिस गली से गुजर जाते थे लोग कहते थे ये मनहूस इस गली से गुजर गए, इस गली से ना जाओ। एक दौर वो भी आया और एक जमाना वो भी आया जब आपकी मकबूलियत इस दर्जा बढ़ी कि जिस गली से गुजरे लोगों का हुजूम होता था, आपसे दस्तबोसी करने के लिए नहीं बल्कि आपके ज्यारत के लिए इंतहा हो गई थी कि आप जिस खच्चर पर सवार होते थे लोग उस खच्चर को पोसा देने के लिए झगड़ते थे। और एक दिन तो इंतहा हो गई कि आप जो ककड़ी खा रहे थे उसके बीज गिर रहे थे, लोगों ने उसके बोलियां लगाना शुरू कर दी बीज की। और उससे भी इंतहा हो गई कि एक दिन खच्चर ने लीद कर दी, नजासत कर दी, लोग उस लीद को उठा उठा कर आंखों पर मलने लगे। ऐसी मकबूलियत मिली तो हजरत शेख अबू सईद एक मस्जिद के कोने में जाकर के बैठ गए, मुराकबे में कहा कि वो क्या था और ये क्या है, वो क्या था और ये क्या है। कभी तो गली गली में शोर करवा देते हो कि काफिर है, और यहां ये नवाजिश। तो आवाज आई हजरत हक से और कुरान की वो आयत आपके कानों में पड़ी, वला नब्लुकुम बिशर वल खैर फितना वइलैना तुरजऊन। तुम्हें शर से भी आजमाएंगे, खैर से भी आजमाएंगे, इस चक्कर में ना पड़ना, हमारी तरफ पलटना। न खैर तुम्हारे लिए न शर तुम्हारे लिए, खैर और शर के झगड़े में ना पड़ना। राहत आ जाए, नेमत आ जाए, मुसीबत आ जाए, अजियत आ जाए, कुछ भी हो, तुम्हें मेरे ही तरफ रुजू रहना है। हर हाल में सिर्फ मेरा दीदार और मेरी याद में गुम रहना है। इतना कहना था कि हजरत शेख अबू सईद की जबान से निकला कि मौला अब मेरा हाल ये कर दे कि मैं ना रहूं, बस तुझ में फना हो जाऊं, मेरी हस्ती मुझसे जुदा कर दे, मेरी हस्ती जिस हस्ती में ये तसव्वुर आता है कि खैर है शर है, इसको फानी कर दे, मेरे वजूद को खत्म कर दे, कि मैं एहसास तक भूल जाऊं कि मेरे ऊपर खैर हो रहा है या शर हो रहा है, मुझे इस एहसास से बिल्कुल बेजार कर दे, इस एहसास से बरी कर दे और अपने आप में गुम कर दे। यानी उनका ये कहना था कि मेरी हस्ती भी मिटा दे तेरे सदके ऐ दोस्त, मेरी हस्ती भी मिटा दे तेरे सदके ऐ दोस्त, यानी अब मैं न रहूं सिर्फ तेरी याद रहे, यानी अब मैं न रहूं सिर्फ तेरी याद रहे। चुनांचे उसके बाद फिर वो तौहीद समझ में आती है जिस तौहीद से हम और आप अपनी जिंदगी में अपने लिए अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकते हैं और हकीकत में जो जिंदगी का मकसूद है उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इंसान इस दुनिया में आलम असबाब में घिरा है और असबाब के चक्कर में न जाने कभी कभी वो फरामोश कर बैठता है कि हकीकत में कौन है और हकीकत में हमारा तसव्वुर कैसा होना चाहिए। तो इसलिए हम और आप जब इस कलमे को पढ़े कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये दिल में एहसास हो, ये दिल में इज़ान हो, यकीन हो कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ पलटना है, हम अल्लाह ही के लिए हैं जिस तरह चाहे अल्लाह हम पर तसर्रुफ करे, हम अल्लाह ही के लिए हैं जिस तरह चाहे अल्लाह हमसे जो भी चाहे हमसे करवाए, चाहे तो हमें बादशाह बना दे, चाहे तो हमें फकीर बना दे, उसकी मर्जी है, उसकी मशीयत है, हम सबको पलट कर उसी की तरफ जाना है, न यहाँ रहना है और न यहाँ किसी का ठिकाना है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबको इस गुफ्तगू को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसकी हकीकत हमारे दिलों के अंदर जागृति फरमा दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।